हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिमेश राठौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल केवल कार में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हिग्निस लेकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी क्या? मेरी ज़रूरतों को ये फुलफिल कर पा रही है, और नहीं कर पा रही है तो क्यों? मुझे क्यों लगता है कि इंग्लिश लेकर मैंने गलती कर दी? तो गलती तो मैं नहीं कहूँगा कि गलती कर दी, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो जिस वजह से मुझे लगता है कि हाँ, मैंने शायद इंग्लिश लेकर गलती कर दी। तो उसमें से सबसे पहला है इसका इंजन। अब आप कहोगे कि अभी तक तो इंजन की बड़ी तारीफ़ करता था, इंजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंजन से कोई शिकायत नहीं, और आज तक किसी यूट्यूबर ने भी नहीं बोला कि इंजन से कोई शिकायत है, बहुत अच्छा इंजन है इसका। हाँ, मैं भी कहूँगा कि हाँ, बहुत अच्छा इंजन है, कोई कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये इंजन सिटी में आप चला रहे जब तक बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सिटी में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। गियर बदलना हो, चाहे एक्सलेशन हो, एवरेज हो, सब बढ़िया देगा सिटी में, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हाईवे पे आप इसका ना गियर रेशियो पहला और दूसरा जहाँ तक है ठीक है, तीसरा भी चलो ठीक है, लेकिन चौथा और पांचवा जो गियर है उसमें गियर रेशियो में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए था, क्योंकि ये 80 नहीं पहुँचती है जब तक, ये 80 की स्पीड भी नहीं पहुँच पाती है जब तक इसका ना आरपीएम 2000 से ऊपर पहुँच जाता है। तो 2000 आरपीएम 80 से पहले ही हो जाता है, एटलीस्ट 2000 आरपीएम जब गाड़ी का पहुँचे फिफ्थ गियर में, तो 90 की स्पीड तो, और हाईवे पर आप चल रहे हो तो अब आप 80 या 70 तो स्पीड चलोगे नहीं, ऑब्वियसली 100 की स्पीड चलोगे, 100 चलोगे, 110 चलोगे, 90 चलोगे, 100 चलोगे, क्योंकि 80 तो हाईवे पर कौन ही चलता है आज की डेट में, सभी अपना, क्योंकि आजकल हाईवे भी बन गए हैं जिन पर 120 की स्पीड लिमिट है, तो आप 80 कैसे चलोगे उस पर, ठीक है ना? तो इस हिसाब से इसकी ना ये फिर वहाँ एवरेज नहीं देता, जैसे ही आप अगर 80 से प्लस करोगे ये फिर आपको एवरेज नहीं देने वाला, क्योंकि आरपीएम 80 पे पहुंचते पहुंचते इसका 2100-2200 आरपीएम हो जाता है, टॉप गियर की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ गियर की, तो उस कंडीशन में ये फिर एवरेज नहीं देता है। दूसरा इसका जो है, इसलिए मुझे लगता है कि ये देखो, अभी मैंने ये बिल्कुल, ये मेरा व्यू है, अब यहाँ से आपको बोनट नहीं दिख रहा है, तो आपको चलाने में अब जिस हिसाब से छोटी है, ऐसी भी लुक दे रखा है, तो थोड़ा सा ऐसा सेटिंग बनाते या फिर ऐसा वो करते, बोनट थोड़ा सा ऊपर करते जिससे बोनट दिखता, बोनट दिखता है तो चलाने में सिटी में बड़ा आराम होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं ये चला रहा हूँ तो ये यहाँ तक इसके एजेस दिख रहे हैं बोनट के, तो वो ठीक रहता है, ठीक है ना? वो बिल्कुल अभी भी ऐसे लगता है कि हाँ, हैचबैक ही चला रहे हैं, वो लुक जरूर एसयूवी दिया है, तो थोड़ा सा सेटिंग हाई करते या फिर बोनट दिखे जिससे, या फिर बोनट थोड़ा हाई करते, ये आपका ये चीज़ हो गई। तीसरा इसका जो है, मुझे लगता है कि ये जो रियर सीट है ना, उसका कंफर्ट थोड़ा और होना ही चाहिए था, बेटर थाई सपोर्ट कम है, तो कंफर्ट इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि इसके सस्पेंशन बहुत हार्ड है, तो सस्पेंशन हार्ड है तो वो बहुत, मतलब पीछे कंप्लेंट होती रहेगी रहेगी, जो पीछे बैठेगा वो उसको कंप्लेंट रहेगी। और इसके अलावा फिर एक और जो चीज़ है जिससे मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब आप देखो, ये शायद आपको कैमरे में विजिबल हो रहे हैं या नहीं, ये देखो, ये देखो, ये हल्का सा लगने पे ये हालत हुई है इसकी, ठीक है? अब ये देखो, हल्का सा यहाँ लगने पे ये देखो, हल्का सा बम्पर टच हुआ था, ये निकल गया पूरा, ये आप देख दिख रहा है उसमें, नहीं दिख रहा है ये नहीं कह सकते, ये पूरा, ये देखो पहिया बिल्कुल इससे टच हो रहा है, ये देखो टायर बिल्कुल टच होता है, अगर मैं इसको राइट में पूरा मोड़ दूं तो ये टायर इसमें स्किड करता है, रगड़ता है, तो बहुत आवाज़ होती है, बहुत गंदी आवाज़, तो पूरा फुल मोड़ भी नहीं पाते इसको राइट की तरफ खासकर। तो बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत निगेटिव है, मुझे लग रहा था कि इतनी नहीं होगी, एटलीस्ट 3 स्टार थे तो ऐसा तो थोड़ा सा तो इतना होता कि इतनी जल्दी इसमें डेंट वेंट पड़ रहे हैं, वो नहीं पड़ती, ठीक है? और इसके अलावा जो है, इसका इंजन हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गई, सीटिंग हो गया, और जो सबसे एक और जो इसका वो है कि जिसको लेकर मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी इग्निस, शायद दूसरी पे जा सकता था, वो है इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस इसका है
260 लीटर का। और मुझे क्या होता है, मैं इसमें मुझे कुछ ना कुछ सामान, जब भी मैं ऑफिस आता हूँ, ऑफिस से जाता हूँ, तो कुछ ना कुछ सामान लेके जाना होता है, तो वो बूट स्पेस मुझे कम पड़ता है, मुझे फिर ऐसे ले जाना पड़ता है। अब ये देखो ये रखा है जैसे, तो ऐसे ले जाना पड़ता है, तो ये भी मुझे कम लगता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा बूट स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, जो अब मुझे लग रहा है फील। अब अगर आप ये कहते हो कि हाँ मैंने गलती, तो शायद नहीं, मैं कहूँगा गलती तो नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि चलो मेरी ज़रूरतें फिल हो रही, पूरी फिलफिल हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, फुलफिल ज़रूरतों में कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम थी कि ये चीज़ें जो है कि अगर आप भी लोगे, अगर आप लेना चाह रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ों में आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है इसमें। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी हैं, आपके लिए अगर ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी हैं, तो आप फिर इग्निस की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसका बूट स्पेस जो है, इससे अच्छा बूट स्पेस आपको वैगनार में मिल जाएगा। वैगनार में 341 लीटर का बूट स्पेस है, पेट्रोल वैगनार भी ले सकते हैं, और वो भी आपको 1.2 लीटर इंजन में मिल जाती है, 4 सिलेंडर इंजन में, यही सेम इंजन डुअल जेट वाला, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी और जो इसकी जो भी कमियां थी वो मैंने आपको बताई दी कि इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए थी और वो नहीं है इस वजह से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब सर सर कर सर सर सर